नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है भारत में सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए ऐसी मिलेंगी जिनका आपको बार बार रिवीजन करना होगा, तभी आप उन बातों को, उन तथ्यों को याद रख पाएंगे। यदि धरती पर भगवान भी आपके लिए स्पेशली अवतार ले लें तो भी आपके बिना रिवीजन के इस टॉपिक का काम नहीं होने वाला, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं किसमें क्या होता है, तो वो चीज़ें आपको ही याद करनी पड़ेंगी। भगवान को जो काम करना था, मेमोरी के रूप में दिमाग देना था, बुद्धि देनी थी, डेली बुद्धि का उपयोग करके बढ़िया बढ़िया निमोनिक्स बना के अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज करें, कितनी भी बार आपको रिविज़न करना पड़े, क्योंकि कॉम्पिटिशन है दोस्तों। आप रुक जाओगे लेकिन बाकी जो कॉम्पिटिशन में लाखों की भीड़ साथ में भाग रही है वो नहीं रुकने वाली। आप बीच में रुक जाओगे आपको को चलते हुए लोग आगे निकल जाएंगे, तो रुकना नहीं है जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। सीधी बात है, रिवीजन करना मल्टीपल टाइम, तभी काम चलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं भारत में सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दी जाती हैं। पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो आपसे विनती है हाथ जोड़कर कि आप उनको ज़रूर देख लें, ताकि आप ज़्यादा बेहतर समझ बना पाएं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। किसी भी सीरीज़ को कभी भी कहीं पर भी आप फॉलो करते हैं तो बीच में से देखने से बेटर है। यदि आपने पहले पुराना पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं से कनेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए शुरुआत में जाना ही होगा, और वहाँ से शुरुआत करके फिर आप अंत तक जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डायल अप कनेक्शन की। ये एक फैसिलिटी है जो आपके लिए इंडिया में सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसमें है क्या दोस्तों, डायल अप कनेक्शन में इसमें यूज़र को, यूज़र मतलब हम और आप जैसे लोगों को, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अपने डिवाइस, डिवाइस क्या हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है और मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, तो यूज़र को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अपने डिवाइस को फ़ोन लाइन से लिंक करने की आवश्यकता होती है। किसमें, डायल अप कनेक्शन में, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसमें टेलीफोन को दोस्तों मॉडेम से जोड़ा जाता है, क्लियर है। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डायल अप कनेक्शन में आपको अपने डिवाइस को, जो कि मोबाइल या कंप्यूटर या कोई और डिवाइस भी हो सकता है, उसे क्या करना है, फ़ोन लाइन से लिंक करने की आवश्यकता है। इसमें दोस्तों टेलीफोन को मॉडेम से जोड़ते हैं, डायल अप कनेक्शन को दोस्तों एनालॉग कनेक्शन या स्विच लाइन कनेक्शन भी कहा जाता है। इस फैक्ट को आप ज़रूर ध्यान रखें कि डायल अप कनेक्शन का दूसरा नाम है एनालॉग कनेक्शन या स्विच लाइन कनेक्शन। ध्यान रखें, डायल अप कनेक्शन आपके लिए कॉल सुविधा उपलब्ध नहीं कराता। डायल अप कनेक्शन में फ़ोन के द्वारा कॉल सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, इस बिंदु को भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है इन चार पांच बातों की समझ, या ये चार पांच बातें आपके लिए याद हो गई होंगी डायल अप कनेक्शन के बारे में। फ़ोन लाइन से आपको डिवाइस को लिंक करना होगा यदि आप इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं। इसमें दोस्तों किसमें, डायल अप कनेक्शन में टेलीफोन को मॉडेम से जोड़ा जाता है। क्या क्या कहते हैं हम डायल अप कनेक्शन को, या दूसरे नाम क्या है, तो इसे हम, किसे, डायल अप कनेक्शन को हम एनालॉग कनेक्शन या स्विच लाइन कनेक्शन भी कहते हैं, ठीक। इसमें फ़ोन के द्वारा कॉल की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, ठीक। अब बारी आती है लीज्ड लाइन कनेक्शन की, तो फिर देखिए इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से, किसके माध्यम से, एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर और आईपीएस अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दोस्तों यहाँ पर आईएसपी होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पर आईपीएस, थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, इसको आपको
करेक्ट करना है। तो लीज्ड लाइन कनेक्शन में क्या होता है, एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर और ISP के सर्वर को जोड़ा जाता है। इसे प्राइवेट लाइन कनेक्शन भी कहा जाता है। ध्यान रखें, लीज्ड लाइन कनेक्शन को हम प्राइवेट लाइन कनेक्शन भी कहते हैं, वहीं डायल अप कनेक्शन को हम एनालॉग कनेक्शन या स्विच लाइन कनेक्शन कहते थे। डायल अप कनेक्शन को हम क्या कहते थे, एनालॉग कनेक्शन या स्विच लाइन कनेक्शन, ध्यान रखें। वहीं हम लीज्ड लाइन कनेक्शन को क्या कहते हैं, प्राइवेट लाइन कनेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग सिर्फ डाटा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इस कनेक्शन में डाटा इंटरनेट की स्पीड स्थिर रहती है और इसका उपयोग किसी विशेष संस्था द्वारा किया जाता है। इतनी बातें आपको लीज्ड लाइन कनेक्शन के बारे में ध्यान रखनी है। लीज्ड लाइन कनेक्शन को हम प्राइवेट लाइन कनेक्शन भी कहते हैं, डायल अप कनेक्शन को हम एनालॉग कनेक्शन या स्विच लाइन कनेक्शन भी कहते हैं। आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, काफ़ी या बहुत सारी बार मैंने इन चीज़ों को आपके सामने रिपीट कर दिया है। फिर बारी आती है ISDN लाइन की, तो चलिए अब इसको भी देख लिया जाए। ISDN लाइन दोस्तों, जो ISDN लाइन है यह डायल अप सर्विस का ही संशोधित रूप है। इसमें डाटा कम्युनिकेशन डिजिटल रूप में किया जाता है। ध्यान रखें, ISDN लाइन में जो डाटा का कम्युनिकेशन होता है, डाटा ट्रांजेक्शन जो होता है, वह डिजिटल रूप में होता है और इसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती। हमने देखा था डायल अप कनेक्शन में, यहाँ पर आपको देखना है यहाँ मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती। ISDN लाइन में यह कनेक्शन यूज़र को डिजिटल टेलीफोन लाइन पर डेटा, वॉइस या वीडियो कंटेंट भेजने की सुविधा प्रदान करता है। कौन? ISDN लाइन वाला कनेक्शन। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर बारी आती है ब्रॉडबैंड कनेक्शन की, इसके बारे में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पहले से ही सुन रखा होगा। दोस्तों ब्रॉडबैंड जो कि ब्रॉडबैंड विड्थ का शॉर्ट नेम है, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जिसमें इंटरनेट को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल या रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में आप इंटरनेट को कंप्यूटर तक कोएक्सियल केबल से भी पहुंचा सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल या रेडियो तरंगों का उपयोग करके भी पहुंचा सकते हैं। डाटा कम्युनिकेशन के टाइप्स में हमने इन चीज़ों को देखा था, गाइडेड मीडियम, अनगाइडेड मीडियम। कमेंट सेक्शन में बताएं, यहाँ पर तीन विकल्प आपके सामने हैं, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल और रेडियो वेव्स। इनमें से कौन गाइडेड मीडियम है, कौन अनगाइडेड मीडियम है, कमेंट सेक्शन में आप इतना ज़रूर बताएं। फिर बारी आती है DSL कनेक्शन की, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कनेक्शन। यह एक प्रकार का ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है। इसमें फ़ोन लाइन को डायरेक्ट मॉडेम से जोड़ा जाता है और मॉडेम को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। किस कनेक्शन की बात की जा रही है? DSL कनेक्शन की बात की जा रही है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कनेक्शन की बात की जा रही है। इसमें क्या होता है, फ़ोन लाइन को, जो आपकी फ़ोन लाइन है उसको डायरेक्ट मॉडेम से जोड़ा जाएगा और मॉडेम को फिर कंप्यूटर से जोड़ दिया जाएगा। किसमें? DSL कनेक्शन में। इसमें यूज़र इंटरनेट एक्सेस करते समय फ़ोन कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, DSL कनेक्शन में यूज़र इंटरनेट एक्सेस करते समय फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। DSL मॉडेम टेलीफोन लाइन से प्राप्त होने वाले कमज़ोर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदल देती है। इसमें यूज़र तेज़ी से डाटा को डाउनलोड या अपलोड कर सकता है, इसकी स्पीड फास्ट होती है। सीधी आपसे यहाँ पर यह बात की जा रही है। फिर बारी आती है दोस्तों वायरलेस टेक्नोलॉजी की, यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, है ना। तो इसके अंतर्गत हमें किन किन बिंदुओं पर बात करनी है, हमें बात करनी है ब्लूटूथ की, वाईफाई की, लाईफाई की, वाईमैक्स,
हॉटस्पॉट, जीएसएम, सीडीएमए, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हमें करनी है। एक एक करके हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और यदि आपको हमारे वीडियोस से बेनिफिट हो रहा है आपके एग्ज़ाम की तैयारी में, तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करें। आप जानते हैं सपोर्ट कैसे करना है, वीडियो को अधिक संख्या में लाइक करना है। एक व्यक्ति एक ही कर सकता है, तो कहने का मतलब है जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जो आपकी तरह प्रदेश के किसी कोने में बैठकर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वह भी हमारी इस वीडियो सीरीज़ का अधिकतम लाभ उठा सकें। तो बस इसको आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानें। क्यों? क्योंकि हम भी आपके लिए बहुत कीमती समय निकालकर इन वीडियोस को बना रहे हैं। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं सर यूनिट 7 करा दीजिए, कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप मैराथन लेकर आइए, लेकिन मैराथन के लिए एक साथ बहुत लंबा समय चाहिए, जिसकी अभी फ़िलहाल कमी चल रही है, और यूनिट 7 अपने आप में एक पूरी सीरीज़ बनेगी। तो अभी फ़िलहाल इस सीरीज़ को कम्प्लीट करते हैं, और यदि यह सीरीज़ जल्दी कम्प्लीट होती है एग्ज़ाम के यदि एक महीने पहले, अब तो लगभग 40 दिन के आसपास रह गए हैं, 40 दिन भी नहीं, 35 दिन के आसपास आपके एग्ज़ाम को रह गए हैं, तो यूनिट 7 तो काफ़ी मुश्किल होगी फ़िलहाल कम्प्लीट कराना आपको। यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 1, 3, 5 जो कि एमपी से रिलेटेड है वो ऑलरेडी कवर है, प्लेलिस्ट में आप उन्हें चेक करें। यूनिट 9 ये चल रही है, यूनिट 10 ऑलरेडी अपलोडेड है, दो प्लेलिस्ट मिलेंगी आपको। एक में हमने पूरा थ्योरी सेक्शन कवर करा रखा है, एक में हमने एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाई है। तो आपको प्लेलिस्ट में चेक करना है। यूनिट 10 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट 9 अभी चल ही रही है, यूनिट 1, 3 और 5 जो एमपी से रिलेटेड चीज़ें हैं ऑलरेडी कंप्लीट हैं, उसकी भी दो प्लेलिस्ट हैं। एमपी का जो स्टैटिक पोर्शन है उसकी कंप्लीट एक प्लेलिस्ट है, और एक अलग से एमसीक्यू की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, जिसमें मेरे हिसाब से 3-4-5 हज़ार एमसीक्यूज होने चाहिए, 43 वीडियो के आसपास उसमें वीडियोस हैं, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको 5 यूनिट की तैयारी यहाँ से आसानी से कराई जा रही है, बाकी फिर आगे प्रयास किया जाएगा, आपके सपोर्ट के हिसाब से मोटिवेशन मिलेगा तो और जल्दी काम होगा। तो बस सपोर्ट बस बनाए रखें। चलिए शुरुआत करते हैं ब्लूटूथ से, बाकी बातें अब बाद में होगी। ब्लूटूथ क्या है? ऊपर देख लिया कि वायरलेस डिवाइसेस की चर्चा हो रही थी या वायरलेस मीडियम की, तो जब ब्लूटूथ को वायरलेस के अंदर लिखा तो वायरलेस टेक्निक ही होगी, है ना? तो ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्निक है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। वायरलेस टेक्निक आपने खुद यूज़ किया होगा, दो मोबाइल फ़ोन हैं उनको आपस में कनेक्ट करके डेटा का आदान प्रदान ब्लूटूथ के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। अब बारी आती है ब्लूटूथ का उपयोग अनेक सारे डिवाइसेस, जैसे कि हेडफोन कनेक्ट करने के लिए भी आप ब्लूटूथ का उपयोग करते हो, ब्लूटूथ वाले हेडफोन आते हैं मार्केट में, स्मार्टफोन को कनेक्ट कर लेते हो, लैपटॉप में भी ब्लूटूथ का ऑप्शन है, डोंगल, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि सब में आप इसका उपयोग कर लेते हो ब्लूटूथ टेक्निक में। याद क्या रखना है? याद ये रखना है 2.4 GHz से 2.8 GHz के बीच रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्या याद रखना है आपको ब्लूटूथ में? आपको याद रखना है इसमें 2.4 GHz से 2.8 GHz की किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस टेक्निक के द्वारा, किसके द्वारा? ब्लूटूथ के द्वारा 10 से 50 मीटर तक की दूरी में डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अधिकतम 7 डिवाइस को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इसका आविष्कार सन 1994 में डॉक्टर जाप हटसन ने किया था। इनका नाम आप ध्यान रख लें, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? डॉक्टर जाप हटसन ने की थी। कब की थी उतना आवश्यक नहीं है, बस इनका नाम याद जरूर रख लें। फिर डेनमार्क के राजा हेरोल्ड ब्लूटूथ के नाम पर इस डिवाइस का नामकरण किया गया। ब्लूटूथ का उपयोग दोस्तों, अब छोटे एरिया की बात चल रही है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में किया जाता है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। फिर बारी आती है वाईफाई की। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखना है, वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी।
आविष्कार हुआ 1991 में उतना आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है, किसने किया, किसने किया, जॉन ओ सुलेवान ने किया। इनका नाम आप याद रख लेना, जॉन ओ सुलेवान, पीछे का नाम बस याद रख लें, ओ सुलेवान, तो भी काम चल जाना है आपका वाईफाई के आविष्कारक के रूप में। वाईफाई की मदद से दोस्तों हम, आप खुद तो जानते हो, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वाईफाई की रेंज सामान्यतः 100 मीटर तक होती है, ठीक। वाईफाई टेक्निक में 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज के बीच रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों आप होंगे, ब्लूटूथ की रेडियो तरंगों की आवृत्ति और वाईफाई की रेडियो तरंगों की आवृत्ति में कंफ्यूज, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लूटूथ की जो आवृत्ति हमने देखी थी वो देखी थी 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.8 गीगाहर्ट्ज तक। वाईफाई की कितनी है, शुरुआत वहीं से होनी है और लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज तक जानी है। इस प्रकार से एक साथ लिखने से आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। पर दोस्तों ध्यान रखना है, वाईफाई का उपयोग लैन अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। इसकी रेंज 100 मीटर तक होती है, वाई ब्लूटूथ से ज़्यादा होती है, इस बात को भी आप ध्यान रख लें। फिर बारी आती है लाइट फेडिलिटी वाईफाई की, इसका पूरा नाम लाइट फेडिलिटी है और आविष्कारक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हेरोल्ड हॉस, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इन्होंने वाईफाई का आविष्कार किया वर्ष 2011 में। और वाईफाई क्या है दोस्तों, वाईफाई उच्च गति से संचार करने वाली वायरलेस टेक्निक है, ध्यान रखना है, वाईफाई उच्च गति से संचार करने वाली वायरलेस टेक्निक है। इसमें डाटा भेजने के लिए LED अर्थात लाइट इमिटिंग डायोड और डाटा प्राप्त करने के लिए फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। अब दो चीज़ें याद रखनी है, जो वाईफाई है उसमें डाटा भेजने के लिए आप LED का प्रयोग करेंगे और डाटा प्राप्त करने के लिए फोटो डायोड का उपयोग करेंगे। इन दोनों चीज़ों में भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वाईफाई का पूरा नाम लाइट फेडिलिटी, आविष्कारक हेरोल्ड हॉस, कब की, 2011 में इसकी खोज की, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बारी आती है वाई मैक्स की, दोस्तों इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, वाई मैक्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इसकी रेंज दोस्तों 25 से 50 किलोमीटर तक होती है। यदि आपसे रेंज का क्रम पूछा जाए तब आपको ब्लूटूथ की, फिर उसके बाद वाईफाई, फिर उसके बाद वाईमैक्स, वाईमैक्स की सबसे ज़्यादा, फिर इस तरीके से बनेगा ब्लूटूथ की सबसे कम, उससे ज़्यादा वाईफाई, फिर वाईमैक्स। इस प्रकार से चीज़ों को कनेक्ट करते हुए आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। वाईमैक्स के द्वारा हजारों लोग दोस्तों एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसका उपयोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में किया जाता है, किसका, वाईमैक्स का। फिर बारी आती है हॉटस्पॉट की, दोस्तों इसे वायरलेस एक्सेस पॉइंट टेक्निक भी कहा जाता है। हॉटस्पॉट को वायरलेस एक्सेस पॉइंट टेक्निक भी कहा जाता है, इस बिंदु को आपको ध्यान रखना है। हॉटस्पॉट एक फिजिकल लोकेशन होता है जिसके भीतर आप इंटरनेट को 30 से 60 फीट तक एक्सेस कर सकते हैं। वायरलेस रूप से मोबाइल, लैपटॉप या अन्य डिवाइस में इंटरनेट को कनेक्ट करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं, किसकी सहायता से, हॉटस्पॉट की सहायता से। हॉटस्पॉट में दोस्तों एक रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग किया जाता है, ठीक, रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग हॉटस्पॉट में किया जाता है। फिर बात आती है GSM की, GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। यह एक वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल टेक्निक है, ध्यान रखें, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल टेक्निक है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल GSM। इसका उपयोग मोबाइल फोन पर इंटरनेट डाटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, किसका, GSM का हम उपयोग करते हैं मोबाइल फोन पर इंटरनेट डाटा प्राप्त करने के लिए। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा भी प्रदान की जाती है, ध्यान रखें, GSM हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा उपलब्ध करवाता है।
जीएसएम में सभी मोबाइल फ़ोन एक सिम कार्ड का उपयोग जीएसएम में सभी मोबाइल फ़ोन का हम एक सिम कार्ड का उपयोग करते हैं। इसमें डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए EDGE अर्थात इन्हेंस्ड डाटा रेट्स फॉर GSM एवोल्यूशन का उपयोग किया जाता है। आपको EDGE का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, जिसका फुल फॉर्म होता है इन्हेंस्ड डाटा रेट्स फॉर ग्लोबल GSM एवोल्यूशन। आपको EDGE का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है इन्हेंस्ड डाटा रेट्स फॉर GSM एवोल्यूशन। फिर बारी आती है CDMA की। CDMA का सबसे पहले फुल फॉर्म देखना है, इसका फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस आपको CDMA का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। दोस्तों यह भी एक वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल टेक्निक है। इसका उपयोग सामान्यतः मोबाइल फोन के संचालन में किया जाता है। हम सभी जानते हैं CDMA GSM सबका उपयोग हम अपने मोबाइल फ़ोन में ही करते हैं। आप सेटिंग में जाकर इन ऑप्शंस को जाकर देख सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी चीज़ों के प्रति। इसमें डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए EVDO अर्थात एवोल्यूशन डेटा ऑप्टिमाइज्ड का उपयोग करते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, GSM में हमने डाटा ट्रांसफ़र के लिए किसका प्रयोग किया था, EDGE का, जिसका फुल फॉर्म है इन्हेंस्ड डाटा रेट फॉर GSM एवोल्यूशन। इसी प्रकार से CDMA में डाटा ट्रांसफ़र के लिए हमने उपयोग किया EVDO का, जिसका फुल फॉर्म है एवोल्यूशन डाटा ऑप्टिमाइज्ड। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर हमें बात करनी है 1G 2G 3G 4G टेक्नोलॉजी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1G से। इसकी शुरुआत हुई थी 1980 के दशक में अमेरिका से, 2G की शुरुआत 1990 के दशक में फिनलैंड से, 3G की शुरुआत 2000 के दशक में जापान से, 4G की शुरुआत 2010 के दशक में साउथ कोरिया, और 5G की शुरुआत भी साउथ कोरिया में ही 2020 के दशक में। अब आपको क्या ध्यान रखना है, शुरुआत तो आप आसानी से याद रख लेंगे, 1G 2G 3G 4G 5G 80 का दशक, 90 का दशक, 2000 का दशक, 2010 का दशक, 2020 का दशक, 10 बढ़ाने हैं, 80 से शुरू करनी है। ठीक, अब बाकी आपको कंट्री भी याद रखनी है किस देश से शुरू किया गया। तो 1G USA से किया गया, सबसे पहला कहाँ, USA, लास्ट के दो कहाँ, साउथ कोरिया, ठीक, बीच वाला जापान, दूसरे नंबर का बच्चा तो फिनलैंड। किस प्रकार से सबसे पहला वाला USA से शुरू किया गया, अंत के दो मतलब 4G और 5G कहाँ से, दक्षिण कोरिया से, तीसरे नंबर का अर्थात बीच वाला जापान से 3G, और दूसरे नंबर का मतलब 2G कहाँ से, फिनलैंड से। इस प्रकार से यदि आप चीज़ों को देखते हैं तो आपको याद आसानी होगी चीज़ों को ध्यान रखने में। अब खुद से सोचिए 1G की शुरुआत कब हुई, शुरुआत हुई थी 1980 के दशक से, की थी USA ने। 2G की शुरुआत कब हुई, 1990 के दशक से, किसने की थी, फिनलैंड ने की थी दूसरे नंबर पर। 3G की शुरुआत कब से हुई, 2000 के दशक से, कहाँ से, जापान से, लास्ट के दो तो साउथ कोरिया, 2010 के दशक में और 2020 के दशक में। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब एक एक करके हम फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक की चर्चा कर लेनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। शुरुआत तो आपको रट गई होगी 1980 में USA से। डाटा ट्रांसफ़र की गति सबसे स्लो थी, कितनी थी, 2.4 KBPS। दोस्तों KBPS का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताएं। यह एनालॉग सिस्टम पर आधारित थी, ध्यान रखें दोस्तों जो फर्स्ट जनरेशन थी वह एनालॉग सिग्नल पर आधारित थी। फ़ोन में केवल वॉइस कॉल सपोर्ट की सुविधा थी और कुछ नहीं था फर्स्ट जनरेशन में। ध्यान रखें 1980 के दशक में USA से शुरू हुई, डाटा ट्रांसफ़र गति बहुत कम थी उसके, या उस समय के हिसाब से बढ़िया होगी क्योंकि पहली बार आई थी, पहली बार देखा इस तरीके से कुछ होता हुआ, तो 2.4 KBPS भी उस समय बहुत बढ़िया लगती होगी, लेकिन अब के हिसाब से बहुत कम है। एनालॉग सिग्नल पर आधारित था फर्स्ट जनरेशन, सिर्फ फ़ोन में वॉइस कॉल सपोर्ट जैसी फैसिलिटी हमें मिलती थी। इसमें कॉल ड्रॉप, कम सिक्योर और फ़ोन की लो बैटरी जैसी खामियां थी। दोस्तों शुरुआत हो रही है, परफेक्शन पे कैसे पहुंच जाओगे, दोस्तों परफेक्शन पे कभी पहुंच ही नहीं सकता इंसान या टेक्नोलॉजी, क्यों, पहुंचने का प्रयास किया जा सकता है, कभी नहीं पहुंच सकते क्योंकि विकास कभी नहीं रुकने वाला। आप नहीं कह सकते ये स्थिति परफेक्शन मतलब आदर्श स्थिति आ गई, आदर्श स्थिति कभी नहीं आती, आदर्श की ओर लगातार बढ़ना होता है, लगातार बेस्ट करने की कोशिश करनी होती है। सेम आपकी तैयारी है, तैयारी कभी पूरी नहीं होनी है, आदर्श स्थिति है पूरी तैयारी हो गई, जो प्राप्त करना इम्पॉसिबल है, लगातार प्रयास करना है उस ओर बढ़ने का। ठीक, अब बात आती है 2G की सेकंड जनरेशन की। इतना तो कम से कम आपने याद कर ही लिया, फिनलैंड में शुरुआत हुई, कब से हुई,
1990 के दशक से हुई डाटा ट्रांसफर की स्पीड पहले से बेटर हो गई होगी, तो 64 kbps हो गई। डिजिटल सिग्नल टेक्निक पर आधारित हो गई। इसमें दोस्तों फ़ोन से हम SMS, MMS, कॉल होल्ड कर सकते थे, कैमरा और मेल जैसी सुविधाएं शुरू हो गई सेकेंड जनरेशन में। 1990 से शुरू हुई, किस देश में शुरू हुई? फिनलैंड से इसको शुरू किया गया। फिर बारी आती है थर्ड जनरेशन की, 3G की। शुरुआत हुई दोस्तों 2000 के दशक से जापान से। ये सारी चीज़ें याद हो गई आपको। डाटा ट्रांसफर गति हो गई 2 MB/s, ध्यान रखना है दोस्तों, KB से हम MB पर आ गए थे, 2 MBPS। फ़ोन में दोस्तों हैवी गेम चलने लगे, वीडियो डाउनलोडिंग होने लगी, पिक्चर शेयरिंग होने लगी, डाटा प्लान और वीडियो कॉलिंग जैसे फीचर्स की शुरुआत हो गई। टेम्पल रन, सबवे सर्फर, तमाम गेम खेल लिए होंगे आपने 3G में, ठीक है। इन्हें स्मार्टफोन कहा जाने लगा दोस्तों। थर्ड जनरेशन आपने जरूर इसमें फ़ोन का यूज़ किया होगा। 3G फ़ोन आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास होंगे। एक टाइम पर 3G का बहुत चलन आया था, लोग बोलते थे क्या तुम्हारा फ़ोन 3G है। 3G फ़ोन मतलब बहुत बढ़िया सा फ़ोन आपके पास है। अब तो 5G भी नॉर्मल हो गया है। अब बारी आती है फोर्थ जनरेशन की, जिसकी शुरुआत 2010 के दशक में साउथ कोरिया, वही वाली चीज़ लास्ट की दो जनरेशन साउथ कोरिया में, 2010 के दशक में और 2020 के दशक में। डाटा ट्रांसफर गति दोस्तों 100 MB/s तक हुई, बहुत तेज हो गई। फ़ोन में दोस्तों HD वीडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 3D वर्चुअल रियलिटी, मोबाइल वेब एक्सेस की सुविधाएं शुरू हो गई। फिर बारी आती है फिफ्थ जनरेशन या 5G की। शुरुआत हुई थी 2020 के दशक में, कहाँ से हुई थी? दक्षिण कोरिया से हुई थी। अब दोस्तों देख लो, डाटा ट्रांसफर की गति हो गई 1 GB/s, मतलब 1 GB डाटा आपका 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है, या उड़ जाना है वैसा भी मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फ़ोन में अधिक बैटरी बैकअप आ गया। आप आज देखते हैं 5-5, 6-6 हज़ार mAh की बैटरी, कितना सारा बैकअप, बहुत लंबे टाइम तक चल रही है इतने सारे फीचर्स होने के बाद। अधिक सुरक्षा हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई, वॉइस असिस्टेंट आ गए दोस्तों, 4K वीडियो क्वालिटी आदि में सुधार के साथ 5G शुरू की गई थी। कहाँ की गई थी? साउथ कोरिया में शुरू की गई थी। 2020 का दशक जो चल रहा है वहाँ शुरू की गई थी। उम्मीद है दोस्तों मज़ा आया होगा आपके लिए, इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, और ज़्यादा रखने वाली चीज़ें थी, कुछ एक्सप्लेन करने वाली एज सच नहीं थी। आपको जनरल स्टडी करनी है आपके एग्ज़ाम के लिए आज से, स्पेशल स्टडी नहीं करनी है, PhD भी नहीं करनी है। तो जितनी चीज़ें हो सके अपने दिमाग में ध्यान रखें, लगातार उनका रिवीजन करें, पढ़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। बस इसी प्रकार से बने रहें हमारे साथ, लगातार सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।